सोलन पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों और उनकी माताओं के लिए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष बात यह थी कि इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ मिलकर उनकी माताओं ने भी विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इन आकर्षक प्रस्तुतियों में माताओं में भी छुपी हुई प्रतिभा सामने आई, जिसे देख कर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए। सोलन पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों और उनकी माताओं के लिए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेष बात ये थी कि इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ मिलकर उनकी माताओं ने भी विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इन आकर्षक प्रस्तुतियों में माताओं की छिपी हुई प्रतिभा भी सामने आई, जिसे देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। कार्यक्रम के दौरान DSP गीतांजलि ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। स्कूल की प्रबंध निदेशक प्रीति कुमार ने सभी अतिथियों को स्कूल के लक्ष्यों के प्रति अवगत भी करवाया। मुख्य अतिथि गीतांजलि ठाकुर और प्रबंध निदेशक प्रीति कुमार ने इस मौके पर बताया कि अक्सर देखा गया है कि माताओं की बहुत सी मानसिक परेशानियां और चिंताओं से वे गुजरती हैं, लेकिन स्कूल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में माताओं ने अपने बच्चों के साथ विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी वजह से उनमें एक नई ऊर्जा का अनुभव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता की वजह से माताओं की छिपी हुई प्रतिभा भी निखर कर सामने आई है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हर संस्था और स्कूल को आयोजित करने चाहिए। हमारा और शानदार इवेंट देखने के लिए मिला, जिसका नाम था मॉम एंड मी, माँ और मैं। और इस इवेंट में आई थिंक बहुत ही ज्यादा मजा आया। यहाँ देखा कि मॉम्स इतनी ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमारे सोलन में टैलेंट भरा पड़ा है। ऑल वी नीड टू नो इज कि इस टैलेंट को बाहर निकाला जाए। एंड आई थिंक ये जो एक प्लेटफॉर्म प्रीति द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलन पब्लिक स्कूल शी इज गिवन इट टू द मॉम्स, ऐसा ही प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशंस को भी देना चाहिए। एंड आई थिंक माएँ जो हैं पूरा दिन घरों में रह के बहुत सारा काम करती हैं, बाहर भी बहुत सारा काम करती हैं। एंड आई थिंक ये जो एक प्लेटफॉर्म था, दिस गिव देम सो मच फन। इसको यहाँ पर आने के बाद माताएं आई थिंक दे फॉरगॉट ऑल देयर वरीज एंड दे एंजॉयड विद देयर किड्स। और ये आई थिंक हर रोज करना चाहिए। ऑल द मॉम्स आई थिंक शुड एंजॉय विद देयर चिल्ड्रन एवरी डे ऑन एन एवरी डे बेसिस। स्कूल के प्रबंध निदेशक प्रीति कुमार ने बताया कि उनके स्कूल में नवीनतम तकनीक से पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने बताया कि आज उनके स्कूल में माँ और बच्चों की प्रस्तुतियों पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें माताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वी एट सोलन पब्लिक स्कूल बिलीव इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन विद द मोटो ऑफ मॉडर्निटी विद हेरिटेज। कीपिंग दिस मोटो इन माइंड एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग द ब्राइटेस्ट एंड द यंगेस्ट माइंड्स ऑफ सोलन टुगेदर and also giving a platform for the mothers to come with their children from the ages 3 to 16 when they are in school, come and perform here and showcase their wonderful talents and also the love for each other. We have held this event today, Mom and Me. This is going to be an annual event, annual affair, which is going to be around on the last day of the school working day. And all the mothers of Solan are welcome to come and participate and be happy with each other. This is one time event that we started this year, the first of its kind in Solan, and it's going to be every year. Event ka uddeshy hai ki maa aur uske bacche ki mamta ko zahir karna aur unko ek platform dena jahan pe wo ek saath aake apne hunar ko dikha sake aur ek dusre ke prati apne prem ko zahir kar sake. तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।